पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग को और बैकलॉग फ्री इंजीनियरिंग करना चाहते हो, विदाउट इटिकेट इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो सारे स्टूडेंट के लिए विथ न्यूली 2024 पैटर्न के स्टूडेंट्स के लिए फुल्ली अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड एक्सक्लूसिव कोर्सेस आपको मिलेंगे जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पर। एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में आपको पूरा पढ़ाया गया है, तो जाइए डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है। और जो भी स्टूडेंट बैकलॉग से परेशान है, उन सारे स्टूडेंट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड ऑल द पीवाईक्यू सॉल्यूशन इंक्लूडेड लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर का आपको एक्सेस मिलेगा जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे। सो इफ यू रियली वांट टू अनलॉक योर पोटेंशियल, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ बैकलॉग फ्री स्टूडेंट, देन कनेक्ट विथ मी एट जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच। हमने देखा था टाइप्स ऑफ सपोर्ट, एक बार रिवाइज करते हैं। तो तीन टाइप के सपोर्ट आपके सिलेबस में है। पहला है आपका सपोर्ट हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट कहते हैं उसको, तो इस प्रकार से वो दिखता है, ट्रायंगुलर और नीचे लाइंस होते हैं। इसको दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है वर्टिकल एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल ए वाई, हॉरिजॉन्टल ए एक्स। देन सेकंड सपोर्ट है आपका रोलर सपोर्ट, जिसमें रोलर सपोर्ट में ट्रायंगल होता है और यहाँ पे दो रोलर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो इस टाइप से दिखता है वो रोलर सपोर्ट, या फिर इस टाइप से भी देते हैं कभी कभी। तो वहां पे एक ही रिएक्शन होती है आरबी। देन फिक्स सपोर्ट होता है, एक साइड से फिक्स होता है, तो यहाँ पे तीन रिएक्शन होते हैं ए वाई ए एक्स और मोमेंट। तो रोलर सपोर्ट के लिए एक रिएक्शन, हिंज और पिन सपोर्ट के लिए दो रिएक्शन और फिक्स सपोर्ट के लिए तीन रिएक्शन होते हैं। देन हमने देखा था टाइप्स ऑफ लोड, तो तीन टाइप के लोड है। पहला है पॉइंट लोड, मतलब किसी भी पॉइंट पे एक लोड एक्ट हो गया तो उसे कहते हैं पॉइंट लोड। देन दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसे कहते हैं यूडीएल। अब यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इस टाइप से दिखेगा आपको यूडीएल। सो ए बी पहले तो बीम हम ड्रॉ करेंगे, देन डब्ल्यू और लेंथ डब्ल्यू इंटू एल करेंगे और उसको सेंटर में एक्ट करेंगे। यूडीएल में हम सेंटर में एक्ट करते हैं, मतलब जितना भी लेंथ है उसको डिवाइड बाई टू करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने 10 किलो न्यूटन यूडीएल दिया है, लेंथ दिया है 4 मीटर, सो 10 इंटू 4 दैट इज 40। और सेंटर में एक्ट होगा, मतलब जितना भी लेंथ है उसको डिवाइड टू करेंगे, 4/2 दैट इज आंसर आता है 2 मीटर। देन थर्ड है आपका यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो यहाँ पे ट्रायंगल होता है इस टाइप से, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सो 1/2 डब्ल्यूएल। और वो एक्ट कहाँ पे होता है, हाइट वाले साइड से, जहां भी ट्रायंगल के हाइट है उस वाले साइड से एल बाई थ्री के ऊपर ए अप्लाई होता है, एल बाई थ्री के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया था 10 किलो न्यूटन हाइट है, बेस है 3 मीटर, तो 1/2 10 इंटू 3 एरिया आता है 15 आपका। और एक्ट कहाँ पे होगा, हाइट वाले साइड से एल बाई थ्री, मतलब 3/3 आता है 1। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सपोर्ट और टाइप्स ऑफ लोड। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे बताइए मुझे मैसेज करके कि कौन से टाइप का सपोर्ट आपको नजर आ रहा है ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे कौन से टाइप का सपोर्ट नजर आ रहा है ये बताइए। तो हमें ये बीडी निकालना है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, थ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले तो मैं करता हूं यहाँ पे एक बीम ड्रॉ करता हूँ ए बी का, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पे कौन सा सपोर्ट है कोई बता सकता है? ए पॉइंट पे आपका रोलर सपोर्ट, तो यहाँ पे आएगी सिर्फ एक रिएक्शन दैट इज आर ए। देन बी पॉइंट पे पिन सपोर्ट, तो यहाँ पे दो रिएक्शन आएंगे दैट इज बी वाई और बी एक्स, बी वाई और बी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप फिगर को अच्छे से देखेंगे तो आपका एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, ये जो है एक आपका बन रहा है रेक्टेंगल ये वाला, और दूसरा आपका बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दो चीजें बन रही है यहाँ पे। तो पहले अगर रेक्टेंगल का निकालेंगे अपन, तो यूडीएल मतलब रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, यूडीएल होता है। तो यूडीएल का एरिया कितना आएगा, एरिया कितना आएगा 600 है हाइट इसका, ये वाला पार्ट 600 है और बेस कितना है 3+3 6 है, तो कितना आएगा एरिया 600 इंटू 6, तो एरिया आएगा 3600।
ओके अब पोजीशन क्या आएगा, कहाँ पे एक्ट होता है यूडीएल में, फोर्स यूडीएल में लोड कहाँ पे एक्ट होता है, लेंथ डिवाइड बाय टू पे एक्ट होता है। तो लेंथ है आपका 6, मतलब सेंटर में एक्ट होगा। तो पोजीशन यहाँ पे मैं पोजीशन लिखता हूँ, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी एल बाय टू दैट इज 3 मीटर, टोटल लेंथ 6 मीटर है, तो 6 बाय 2 कितना होगा, 3 होगा। तो सेंटर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3600, ये हो गया आपका एरिया न्यूटन में, और लेंथ हो गया 3 मीटर। तो यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो बता दो। अब जो रिमेनिंग ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का यहां तक तो 600 कवर हो गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया, फिर यहां से ऊपर वो बच जाता है लगभग 300। तो अगर आप ट्रायंगल का निकालेंगे तो कैसे आएगा, अगर आप ट्रायंगल का निकालेंगे तो ट्रायंगल इस प्रकार से है, तो इसका मैं लिखता हूं यहाँ पे 600 और 6, तो इसका कितना आएगा 3 और 300। अब टोटल 900 है, उसमें से 600 यहां तक की 600 था, तो रिमेनिंग बच गया 300। और ये जो ट्रायंगल है यूवीएल जो है वो 3 मीटर तक ही है, यहां तक ही है, तो इसलिए सिर्फ 3 मीटर ले। तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 3 इंटू 300, तो एरिया आएगा ऑलमोस्ट कितना आएगा, एरिया कैलकुलेट करिए कल से पे 450 आएगा शायद से, और पोजीशन क्या आएगी L बाय 3, मतलब कहां पे एक्ट होगा, L बाय 3 मतलब 3/3 आएगा 1, लेंथ 3 दिया है 3/3 1, तो यहां पे आएगा 1, मतलब यहां पे लिखता हूं मैं वो आएगा 450 न्यूटन, और डिस्टेंस होगा 1 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपकी होगी फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपको करना क्या है, आपको करना है मोमेंट, स्टेप नंबर 2 करना है, मोमेंट निकालना है। स्टेप 2 जिसमें आप करेंगे समेशन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट कैसे करते हैं अपन, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका जो कंपास होता है जहां से हम सर्कल निकालते हैं, तो उसका एक पॉइंट ए पॉइंट पे निकालो, एक ए पॉइंट पे रखो, एंड जिस डायरेक्शन में आपका एरो है उस डायरेक्शन में उसको घुमाना है। तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इस प्रकार से सर्कल बनेगा, इस प्रकार से सर्कल बनेगा, तो ए हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन और बी वाई का हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंपास का सेंटर पॉइंट यहाँ पे, और जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उस डायरेक्शन में उसको घुमाना है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले मैं क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस लेता हूँ, आपको अगर प्लस माइनस का आता है तो आप वो भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो 450 इंटू कितना आएगा, 450 इंटू डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, प्लस ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन प्लस 3600 इंटू कितना आएगा 3 इज इक्वल टू बी वाई इंटू आएगा 6। तो कितना आंसर आता है बताइए, ये टोटल आता है 11250 इज इक्वल टू बी वाई इंटू 6, तो 11250 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू बी वाई, और बी वाई की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से वो आती है ऑलमोस्ट 1875।
1875 न्यूटन, BY की वैल्यू आ गई 1875 न्यूटन। समेशन एफ वाई, सो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है, y एक्सिस पे जितने भी फोर्सेस है तो उसको मैं लेता हूं अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो इस फिगर को FBD को अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड फोर्सेस आपको दिखेंगे RA और BY, ये दोनों अपवर्ड जा रहे फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस है 450 प्लस 3600। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे BY की तो आपको टोटल आंसर कितना आएगा, RA प्लस 1875 इज इक्वल टू ए आएगा 4050 एंड RA आएगा फिर 4050 माइनस 1875। तो RA की वैल्यू आएगी, देखो एक बार कितना वैल्यू आता है, 2175 आ रहेगा, एक बार चेक करिए 2175। फोर्स होने के कारण BX इज इक्वल टू जीरो आएगा। सो फिक्स सपोर्ट मतलब कितने रिएक्शन होते हैं एक बार बताइए मैसेज करके जल्दी से, फिक्स सपोर्ट को कितने रिएक्शन, तीन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब पहले तो हम ट्रायंगल को क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, पोजीशन फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल डिनोट कर रहा हूं, तो इसका है 6 मीटर ए और बेस है 3 मीटर, तो एरिया क्या आएगा 1/2 3 × 6, तो एरिया आएगा आपका कितना आएगा 9। और पोजीशन क्या आएगा इसका, पोजीशन हाइट वाले साइड से L/3, तो लेंथ भी 3 है तो 3/3 आंसर आएगा 1। कौन से साइड से, हाइट वाले साइड से 3/3, ठीक है। देन रेक्टेंगल का क्या आएगा, रेक्टेंगल का बताइए, रेक्टेंगल का क्या आएगा, डिस्टेंस सेम है 3 और लोड भी 3 है, तो एरिया क्या आएगा 3 × 3, वो भी आएगा आपका 9। और पोजीशन क्या आएगा, लोड का पोजीशन L/3 होता है, L/2 होता है, तो ये आएगा 3/2 मतलब 1.5। तो आपको एरिया और पोजीशन समझ में आ गया सबको। अब FBD किस प्रकार से आएगी, तो FBD मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी यहां पे, तो ए पॉइंट है आपका ए, तो ए पॉइंट पे तीन रिएक्शन आने वाली है, दैट इज AY, AX और मोमेंट, मोमेंट आएगा MA। देन अब ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 9 और 1 मीटर, 1 पे पोजीशन है उसका 1, सो हाइट वाले साइड से 1 मतलब यहां पे आना चाहिए आपका 9 और डिस्टेंस हो गए 1 मीटर। एंड UDL का होगा 9 लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, तो आपको यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में देना है सेंटर में, तो सेंटर कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, सेंटर, तो सेंटर लगभग यहाँ पे आएगा, ये भी है 9 बट डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 1.5 और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस टोटल 2 होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 3 है। तो FBD समझ में आ गई सबको, समेशन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या आएगा, अब यहां पे मोमेंट लेना है आपको क्लॉकवाइज में, बस 9 ए वाला जो फोर्स है 9, ये क्लॉकवाइज जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और मोमेंट एट ए भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो क्लॉकवाइज वाला पहले लेता हूं मैं, क्लॉकवाइज वाला आएगा
बस 9 इंटू डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा यहां से, ए वाला 9 ले रहा हूं मैं पहले, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है 2, तो ये आएगा 2, क्लॉकवाइज वाला हो गया, देन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज में 9 इंटू डिस्टेंस आएगा 1.5 प्लस मोमेंट ए भी आएगा। जब ए पॉइंट पे मोमेंट लेंगे आप तो वहां पे एम ए है, मोमेंट है, तो वो भी कंसिडर होगा, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट पे ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये आएगा आंसर 18, ये आएगा आंसर कितना आएगा 15 × 9 कितना होता है 13.5 प्लस मोमेंट ए, तो मोमेंट एट ए कितना आएगा 18 माइनस मतलब 4.5, राइट 4.5 न्यूटन मीटर में। क्वेश्चन FY करो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स आपको कौन सा नजर आएगा, अपवर्ड फोर्स बस AI नजर आ रहा है मुझे, और अपवर्ड फोर्स 9 नजर आ रहा है जो अपवर्ड जा रहा है, ए वाला 9 और ए वाला AY इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 9 नजर आ रहा है, तो AY की वैल्यू भी कितना आएगा, AY की वैल्यू आएगा 0, देन समेशन एपेक्स करेंगे आप तो आपको AX की वैल्यू भी मिलेगी 0। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। स्टेप नंबर 1 FBD, तो ए पॉइंट पे है आपका सपोर्ट कौन सा, ए पॉइंट पे पिन सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। तो ए पॉइंट पे आएंगे आपके दो रिएक्शन ए वाई और ए एक्स, और बी पॉइंट पे आएंगे आपके रिएक्शन आर बी, तो डिस्टेंस सेम ही रहेंगे जो पहले थे, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर। अब यहाँ पे सारे मोमेंट बताया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है मोमेंट लेते समय आपको डिस्टेंस लेना नहीं है, सिर्फ मोमेंट लेना है। तो स्टेप 2 आएगा अपना समेशन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 न्यूटन का फोर्स क्लॉकवाइज जा रहा है और आरबी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दो ही लोग क्लॉकवाइज है और डी वाला एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं कुछ तो भी गलत हो रहा है, एक मिनट, सी वाला जो है वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देन आरबी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में डी और ई है, तो क्या आएगा फिर, पहले तो मैं क्लॉकवाइज लेता हूं, तो 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 10 प्लस आरबी इंटू 4। अब यहां पे मैंने 20, 40 और 10 के लिए डिस्टेंस नहीं लिया है और आरबी के लिए डिस्टेंस लिया है, क्योंकि 20, 40 और 10 जो है वो है आपका मोमेंट, तो मोमेंट के टाइम सिर्फ आपको वैल्यू लिखना है, डिस्टेंस नहीं लिखना है क्योंकि वो ऑलरेडी मोमेंट है। तो कितना आंसर आएगा 60, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इनटू 4 आरबी, तो ये बन जाएगा कितना 50 डिवाइड बाय 4, तो 50 डिवाइड बाय 4 कितना आता है, आरबी की वैल्यू आएगी 12.5
न्यूटन। ठीक है, देन समेशन एफ आई करो, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स ए वाई है प्लस आरबी है, और डाउनवर्ड फोर्स कौन से है इसमें, 10, 20, 40 ये फोर्सेस है या मोमेंट्स है, तो ए है आपके मोमेंट्स, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे, सिर्फ फोर्सेस आएंगे, तो ए वाई प्लस 12.5 इज इक्वल टू 0, तो 12.5 राइट साइड में जाएंगे तो क्या बन जाएंगे वो, माइनस 12.5 न्यूटन, तो ये हो गया आपका ए वाई का आंसर। एंड समेशन एफ एक्स करेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा ए एक्स इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। सो इस टाइप से आपका क्वेश्चन है, ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है, बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है। अब रिएक्शन हमेशा किस प्रकार से होता है, 90 डिग्री में होता है, मतलब इस प्रकार से होगा आपका सपोर्ट, तो रिएक्शन इस प्रकार से होगा। अगर इंक्लाइंड होगा, अगर आपका आपका सपोर्ट ऐसा इंक्लाइंड होगा और यहाँ पे एंगल दिया है आपको 30 डिग्री, तो इसका रिएक्शन इस प्रकार से होगा, 90 डिग्री यहाँ पे होगा जहाँ पे वो कनेक्ट करेगा, तो ये 90 हो गया, तो ये इतना ये कितना होगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। जब इंक्लाइंड होता है रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री पे एक्ट होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, जहां पे भी वो कॉन्टैक्ट करेगा वहां पे 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60। इसका एफबीडी कैसे आएगा, इसका एफबीडी इस प्रकार से आएगा, ए पॉइंट बी पॉइंट ए फोर्स एज इट इज 4 किलो न्यूटन, देन ए पॉइंट पे आएंगे दो रिएक्शन आपका ए वाई और ए एक्स, देन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, देखो तो आपका जो आरबी है वो इस प्रकार से यहाँ पे एक्ट होगा और उसका एंगल जो होगा वो होगा 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री, अरबी होगा और 60 डिग्री होगा। अब ये 60 कहाँ से आ गया, 90 माइनस 30, यहाँ पे जो एंगल देते हैं उसको क्या करना है, माइनस करना है, सो 90 माइनस 30 आ गया 60 डिग्री। अब इसको हम करेंगे रिजॉल्व, सो रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो रिजॉल्व करते हैं उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उसको हम रिजॉल्व करेंगे, तो क्या आंसर आएगा फिर रिजॉल्व करने के बाद, आरबी जिस साइड एंगल उस साइड लेंगे हम कॉस, तो यहाँ पे आएगा cos 60, यहाँ पे आएगा sin 60। तो फोर्स को रिजॉल्व किया अपन ने अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो ये बन गया आपका एफबीडी। फ्री बॉडी डायग्राम, अब आपको करना है मोमेंट, तो समेशन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट एट ए करेंगे आप, ये आरबी कॉस 60 वाला फोर्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो, क्योंकि वो ए पॉइंट से ही जा रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 0 आने वाला है, तो आएगा बस 4 इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 6 मीटर, तो 4 इंटू 6, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो, तो ये आएगा 6 मीटर, ये आएगा 2 मीटर, तो 4 इंटू 6 एक इस प्रकार से जा रहा है आपका क्लॉकवाइज में और आरबी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो आरबी साइन 60 इंटू डिस्टेंस कितना है,
डिस्टेंस है आपका 8, तो 4 × 6 24 होता है, डिवाइड बाय 8 को इधर लेके आओ, तो और भी साइन 60, तो ये 3 डिवाइड बाय साइन 60 करो तो आएगा आर बी साइन 60 × 8 नहीं करना है, या फिर साइन 60 ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आर बी का आंसर कितना आता है, अरबी 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 जल्दी से, थ्री अंडर रूट टू, देन समेशन आप अरबी का आंसर आएगा, देन आप समेशन एफ आई करोगे, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड फोर से आपका ए वाई प्लस आर बी साइन 60 और डाउनवर्ड फोर से आपका 4, तो यहां से आपको ए वाई की वैल्यू मिलेगी। आरबी की वैल्यू आ गई 3.46, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे इसको 3.46 साइन 60, तो ए वाई आएगा आपका 4 − 3.46 साइन 60, तो ए वाई की वैल्यू शायद से 1 आएगी, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो आप। देन समेशन एपेक्स करेंगे आप, समेशन एपेक्स इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट करते अपन, तो ax इज इक्वल टू आएगा आरबी कॉस 60, आरबी कॉस 60, तो ax की वैल्यू आएगी आपकी, आरबी की वैल्यू है 3.46, तो ये आना चाहिए डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा 1.73, तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन होंगे।